सहायक समिति प्रबंधक रिश्वत लेते धराया। धान तुलाई कराने के एवज में मांग रहा था 4,000 की रिश्वत। सागर के गौरझामर में लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए सहायक समिति प्रबंधक को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक समिति प्रबंधक किसान से धान तुलाई कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। मामले में लोकायुक्त की टीम कार्यवाही कर रही थी। लोकायुक्त के अनुसार फरियादी वीरेंद्र पुत्र रामकिशन साहू उम्र 24 साल निवासी देवरी नाहर मऊ ने लोकायुक्त सागर कार्यालय में शिकायत की। शिकायत में बताया कि सहायक समिति प्रबंधक विनोद कुमार जैन 28 क्विंटल 80 किलो धान तुलाई कराने के एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने मामले में जांच शुरू की। शिकायत की पुष्टि होते ही शुक्रवार को टीम गौरझामर कार्यवाही के लिए पहुंची, जहां रिश्वत के रुपए लेकर प्राथमिक शाखा सहकारी समिति चरगुआ के सामने आम रोड के पास फरियादी पहुंचा। फरियादी वीरेंद्र ने जैसे ही सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन को रिश्वत दी, लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त निरीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 28 क्विंटल 80 किलो धान तुलाई कराने को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा था। कार्यवाही करते हुए सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मामले में विनोद जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। धान खरीदी धान बेचने के लिए आए थे हम यहाँ और जामर, तो इनके लड़के द्वारा मांग की गई, इनके द्वारा मांग की गई रिश्वत की 4,000 रुपए दे, 28 क्विंटल धान आपकी फीड कर है टोटल पे। ये कब की घटना? ये घटना 9-12 तारीख को लाए थे हम धान, तो स्लाट बुक नहीं कर रहे थे ये, तो स्लाट बुक हमने करवा लिया, तो बोल रहे 16 तारीख को आ जाएंगे, पैसे लेके आ जाना आप, हम कर देंगे आपकी धान। इसके बाद फिर आपने शिकायत की? के बाद मैंने शिकायत की, मैं रिश्वत नहीं देना चाहता इसके ऊपर की। ये वीरेंद्र साहू हमारा आवेदक है, इसके द्वारा ये निवासी नाहरमऊ तहसील केसली का रहने वाला है, उसके द्वारा हमारे लोकायुक्त कार्यालय में आकर दिनांक 12 दिसंबर को ये शिकायत दर्ज कराई गई कि जो सहायक समिति प्रबंधक नया गाँव विनोद कुमार जैन है, उनके द्वारा उसके जो धान तुलाई की गई है उसके एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, और हमने शिकायत को तस्दीक किया, सही पाया, उसी तारतम्य में आज उनको 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और कार्रवाई जारी है।